मेरे प्यारे देशवासियों कोरोना संकट के इस दौर में मेरी विश्व के अनेक नेताओं से बातचीत हुई है लेकिन मैं एक सीक्रेट जरूर आज बताना चाहूंगा विश्व के अनेक नेताओं की जब बातचीत होती है तो मैंने देखा इन दिनों उनकी बहुत ज्यादा दिलचस्पी योग और आयुर्वेद के संबंध में होती है कुछ नेताओं ने मुझसे पूछा कि कोरोना के इस काल में ये योग और आयुर्वेद कैसे मदद कर सकते साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है अभी कोरोना संकट के दौरान भी ये देखा जा रहा है कि हॉलीवुड से हरिद्वार तक घर में रहते हुए लोग योग पर बहुत गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं हर जगह लोगों ने योग और उसके साथ साथ आयुर्वेद के बारे में और ज्यादा जानना चाह है उसे अपनाना चाह है कितने ही लोग जिन्होंने कभी योग नहीं किया वे भी या तो ऑनलाइन योग क्लास से जुड़ गए हैं या फिर ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी योग सीख रहे हैं सही में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है साथियों कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम से अधिकतर लोग परिचित होंगे लेकिन भस्त्रिका शीतली भ्रामरी जैसे कई प्राणायाम के प्रकार हैं, जिसके अनेक लाभ भी हैं। वैसे आपके जीवन में योग को बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने भी इस बार एक अनोखा प्रयोग किया है आयुष मंत्रालय ने माई लाइफ माई योग नाम से अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉग उसकी प्रतियोगिता शुरू की है भारती नहीं पूरी दुनिया के लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको अपना तीन मिनट का एक वीडियो बना करके अपलोड करना होगा इस वीडियो में आप जो योग या आसन करते हुए वो करते हुए दिखाना है और योग से आपके जीवन में जो बदलाव आया है उसके बारे में भी बताना है मेरा आपसे अनुरोध है आप सभी इस प्रतियोगिता में अवश्य भाग लें और इस नए तरीके से आंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में आप हिस्सेदार बनिए